अगर हम लोग यहाँ आज जिंदा खड़े हैं तो वो बीजेपी की एक देन है। आज जो मैं जिंदा हूँ इसका श्रेय मुझे नहीं बीजेपी को जाता है। ये कहना हमारा नहीं, ये कहना है निदा खान का। उसी निदा खान का जिसने 2016 में एक याचिका दायर करी थी घरेलू हिंसा के मामले में। नमस्कार, मैं आशुति वोरा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। घरेलू हिंसा मामले में पीड़ित आला हजरत खानदान की बहू निदा खान ने अब ये कानूनी लड़ाई में जीत हासिल कर ली है। 8 साल से चल रही ये कानूनी लड़ाई में निदा खान ने अब अपने नाम जीत दर्ज की है और अब आखिरकार उन्होंने अपने इस लड़ाई को जीत कर 2016 में जो उन्होंने कोर्ट में मुकदमा दायर किया था उस मुकदमे को भी अब एक पासे कर लिया है। लेकिन कोर्ट की ओर से आए आदेश में अब 8 साल का समय लग गया है। पर सवाल यह है कि 8 साल का समय लगा क्यों? ऐसा क्या यह मामला था जो 8 साल का समय लग गया? दरअसल कोर्ट ने निदा खान के शौहर शीन राजा खान को हर्जाने के तौर पर 3 लाख रुपए देने का भी आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि निदा खान घरेलू हिंसा का शिकार हुआ करती थी और अब 8 साल की इस कानूनी लड़ाई के लड़ने के बाद उन्होंने अपने नाम ये जीत दर्ज की है। इसी के साथ हर महीने कोर्ट ने यह भी कहा है कि निदा खान को 15,000 रुपए देने का भी आदेश रजा खान को दिया गया है। कोर्ट का आदेश है कि 2016 से लेकर अभी तक की धनराशि जितनी भी बनी है वो सारी की सारी धनराशि निदा खान को दी जाएगी, जो लगभग 15 लाख रुपए बनता है। बता दें कि निदा की ओर से शीरन रजा खान और निदा के ससुराल वालों के खिलाफ दायर मुकदमे में कोर्ट ने ये फैसला जारी किया है। कोर्ट का ये भी आदेश है कि शीरन को निदा के रहने की व्यवस्था भी करनी होगी, फिर चाहे वो ससुराल में रह सकती है या अपने मायके में रह सकती है। कोर्ट ने शीरन यानी निदा के पति को ये आदेश दिया है कि वे किसी भी स्थिति में घरेलू हिंसा अब नहीं करेंगे और निदा को मेहर की पूरी रकम भी लौटाई जाएगी। इस मामले पर निदा खान ने भी अपना बयान जारी किया है और अपने बयान में उन्होंने कहा, पहले तो मैं अपने आप को ही सारा क्रेडिट देना चाहूंगी कि मैंने इतने साल स्टिल ओके मैंने लड़ाई लड़ी है, साथ ही साथ अपने परिवार वालों को जो मेरे साथ हमेशा खड़े रहे। और मैं कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूँगी कि बीजेपी ने इसे हम लोग को बहुत समर्थन दिया है। अगर हम लोग यहाँ आज जिंदा खड़े हैं तो वो बीजेपी की एक देन है, क्योंकि जब मैंने ये मुकदमा दायर किया था तो मेरे ऊपर कई तरीके के हमले हुए, जानलेवा हमले हुए और फतवा जारी कर दिया गया, शादियों में से बहिष्कार करा गया, और मेरे फादर को भी कहीं ना कहीं मस्जिद में प्रताड़ित किया गया। तो आज जो भी है हमारे पास वो एक बीजेपी की बहुत बड़ी देन है और मुझे लगता है कि ज़िंदगी एक बहुत बड़ी नेमत है जो हमें पार्टी की तरफ से मिली हुई है। मेरा लव, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है और जिस तरह से निदा खान ने 8 साल की इस कानूनी लड़ाई को लड़ने के बाद जो जीत हासिल करी है, अब इस पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वीके न्यूज़। धन्यवाद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।